जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के दूसरे चैप्टर में आज हम सीखेंगे स्पीयरमैन के कोटि सहसंबंध की गणना किस प्रकार से की जाती है। बहुत ही प्यारा सा और इजी सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको पेपर के अंदर एक प्रश्न जो मिलेगा उसमें इस प्रकार से दो आंकड़े आपको मिलेंगे। यहाँ आप देखिए, एक एक्स लिखा है यानी एक्स के आंकड़े और एक y के आंकड़े आपको मिलेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत ही आसान सी प्रोसेस है। ये जो आंकड़े दिए गए हैं x वाले, आपको इनका क्रम डिसाइड करना है, ऑर्डर डिसाइड करना है। दिए गए मान में जिसका मान सबसे बड़ा है, हाईएस्ट वैल्यू जिसकी है, उसको नंबर एक देना है। तो आप इन आंकड़ों में देखें, एक्स वालों में सबसे बड़ी संख्या 20 है, तो इसको एक नंबर देना है। और एक्स वालों की नंबरिंग आप एक्स आर के नाम पर यहां तीसरे कॉलम में कर देंगे। तो 20 सबसे बड़ा है तो इसको एक नंबर दे दें। इसके बाद जो छोटी संख्या है, जैसे यहां 19 है, इसको आप दो नंबर दे दें। फिर 18 है, तीन नंबर दे दें। 17 है, चार नंबर। फिर 16 को पांच नंबर और 15 को छह नंबर। संयोग से ये तो क्रम से है, लेकिन प्रश्न के अंदर ये आंकड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। ध्यान इतना देना है, सबसे बड़ी संख्या से स्टार्ट करते हुए नंबरिंग आपको करनी है। सेम यही प्रोसेस वाई के आंकड़ों के लिए डिसाइड करना है। इसमें आप देखें, सबसे जो बड़ी संख्या है वो 80 है, जो ऊपरी ऊपर लिखी है, इसको एक नंबर दे दें। फिर 75 दो नंबर, 60 को तीन नंबर, 40 को चार, 30 को पांच और 15 को छह। ये तो ऑलरेडी क्रम से ही है, तो हमें कोई नंबरिंग लगाने में दिक्कत नहीं हुई। अगर आगे पीछे भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा ढूंढ कर उसकी नंबरिंग आपको सही करनी है। तो नंबरिंग कर दी। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको इन नंबरिंग का डिफरेंस निकालना है और वो अगले कॉलम में डी के अंदर आपको लिखना है, इन दोनों का डिफरेंस। अब इतनी बड़ी संख्याओं की आपको जरूरत नहीं है। छह में से एक गया पांच, पांच में से दो गया यहां तीन, चार में से तीन गया एक, तीन में से चार गया माइनस एक। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें प्लस माइनस कोई भी चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। दो और पांच का डिफरेंस आ गया तीन, छह और एक का डिफरेंस आ गया पांच। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका मान आ गया, इन दोनों कोटि का डिफरेंस, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है। अब आप समझ गए ना, अभी चिन्ह लगाने की आवश्यकता क्यों नहीं है। अगर कोई माइनस में कोई संख्या आएगी तो उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस। तो इसलिए इसमें कोई भी चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको स्क्वायर कर दीजिए, पांच का स्क्वायर कितना हो गया 25, तीन का हो गया 9, एक का एक, एक का एक, तीन का फिर 9 और पांच का हो गया 25। ये आपका डी स्क्वायर आ गया, वर्ग ले लिया आपने डी का। अब आपको करना है इस डी स्क्वायर को पूरे को जोड़ लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना सिग्मा डी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जोड़ लें अपने, 25 9 और 1 जोड़ेंगे 10, 10 35 और 25 9 और 10 35 और 35 कितने हो गए 70। तो सिग्मा डी स्क्वायर का मान आ गया 70। और एक और ध्यान रख लें भी, टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6, तो आपके पास n की वैल्यू भी कितनी आ गई 6 है, ये भी आप ध्यान रख लें। अब आपको एक छोटा सा सूत्र लगाना है। क्या लगाना है, कोटि सहसंबंध की गणना करनी है और इसका एक फॉर्मूला है। कोटि सहसंबंध को रो से प्रदर्शित किया जाता है, ये चिन्ह है रो का, और इसका फॉर्मूला है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटा में एन और ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। रो बराबर 1 माइनस 6
सिग्मा डी स्क्वायर बटा में एन एन स्क्वायर माइनस एक। अब आपको ये वैल्यू वहां पर पुट करनी है। अब कर दीजिए, एक को एक रहने दे, माइनस छह को छह रहने दे, और सिग्मा डी स्क्वायर का मान कितना है 70, तो यहां गुणा में हो गया अपना 70 बटा में एन, एन की वैल्यू 6 है, यानी 6 डाटा आपको दिए गए हैं, तो ये लिख दिया एक बार 6, फिर एन का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर हो गया माइनस एक हो गया। उसके बाद अगला स्टेप हो जाएगा 1 माइनस 6 को 70 से गुणा करेंगे तो आ गया 420 बटा में 6, अंदर 6 का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 36 माइनस एक, फिर आ गया 1 माइनस 420 बटा में 6 और 36 में से एक गया 35। तो अगले स्टेप में हो जाएगा 1 माइनस 420 बटा, अब आपको 35 को 6 से गुणा करना है, तो इसका जो गुणनफल आएगा वो मैं सीधा ही लिख देता हूं, वो आएगा 210। ये रफ काम आपको करना होता है कॉपी के सबसे लास्ट में। उसके बाद आप देखिए 1 माइनस, अब 420 में अगर आप 210 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, दो बार चला जाएगा, तो ये आ गया आपका 1 माइनस 2, और इन दोनों का डिफरेंस आ गया 1 माइनस में 1। ये आपके रो की वैल्यू आ गई, यानी कोटि सहसंबंध की गणना आपने पूरी कर ली। अब आपको क्या लिखना है भी, ये x और y के मान दिए गए थे, अब आपको यहां नीचे एक लाइन लिखनी है भी x और y के मध्य कोटि सहसंबंध माइनस एक है, तो माइनस के अंदर सहसंबंध आ रहा है, अर्थात दोनों चरों के मध्य ऋणात्मक सहसंबंध है। माइनस लग गया तो आप उस सहसंबंध के साथ लिख देंगे भी इस जो दी गई कोटि है इसमें किस प्रकार का संबंध है, ऋणात्मक सहसंबंध देखने को मिल रहा है, तो ये आपका उत्तर हो गया। अगर यहां पॉजिटिव में आता है तो आप लिख दीजिएगा लास्ट में भी एक्स और वाई कोटि के मध्य धनात्मक सहसंबंध है वो पाया जाता है। बहुत ही आसान सा, बस आपको क्रम डिसाइड करना है, कोटि डिसाइड करनी है, फिर दोनों का डिफरेंस निकालना है, फिर डिफरेंस का स्क्वायर करना है और पूरे डिफरेंस के स्क्वायर को जोड़ लेना है और फॉर्मूला लगाना है। अब यहां देखिए, जो सहसंबंध है यानी कोरिलेशन है वो दो प्रकार के होते हैं, या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। अब यहां ये ऋणात्मक है तो इसको मैं आपको समझा भी दूं, अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए जिसमें आप देखें x की वैल्यू क्या हो रही है, जो दी गई है वो बढ़ती जा रही है जबकि y की वैल्यू घटती जा रही है, जब एक की वैल्यू बढ़े और दूसरे की घटती हुई दिखती है तो उसका ऋणात्मक सहसंबंध माइनस में आएगा, और अगर इसका उल्टा होता भी इसकी वैल्यू भी y की तरह x की वैल्यू भी बढ़ती हुई होती, तो यानी x की वैल्यू भी बढ़ता क्रम है और y का भी, तब धनात्मक सहसंबंध है वो आपके सामने आ जाता। तो आप सबसे पहले तो हमें x और y के दिए गए आंकड़ों से ही क्लियर हो जाता है भी उत्तर माइनस में आएगा या प्लस में, यानी ऋणात्मक सहसंबंध होगा या धनात्मक सहसंबंध। हाँ, अगर ये आंकड़े बिखरे हुए होते हैं यानी छोटे बड़े आंकड़े आगे पीछे हुए दिए हुए होते हैं तब वो कैलकुलेशन से अपने आप ही संबंध आ जाता है भी ये पॉजिटिव सहसंबंध है या नेगेटिव सहसंबंध है। तो उम्मीद करता हूं ये सब क्लियर हो गए होंगे। अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी स्पीयरमैन के कोटि सहसंबंध का एक क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर इसके उत्तर को आपको बताना है भी इसका कितना उत्तर है वो आ रहा है, और एक सवाल आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर भी दिया गया है तो उसको भी आप जरूर हल कर लीजिएगा। आपने देखा होगा भी मॉडल पेपर के अंदर भी वही क्वेश्चन आपकी पाठ्य पुस्तक का दिया हुआ है। अब स्पीयरमैन कोटि सहसंबंध की गणना सीखने के बाद अब हम बहुलक की गणना करना भी सीख लेते हैं, तो चलिए अब बात करते हैं भी बहुलक है वो कैसे निकाला जाता है। आपने इससे पहले माध्य
और माध्यिका निकालने का तरीका जान लिया और दोनों ही प्रकार के आंकड़ों से अवर्गीकृत और वर्गीकृत। अब ध्यान रखिएगा, आपके ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के अंदर बहुलक की गणना है वो केवल अवर्गीकृत आंकड़ों को लेकर ही है, तो एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो बहुलक है वो किसे कहते हैं, तो देखिएगा जो भी अवर्गीकृत आंकड़े आपको दिए जाएंगे उन आंकड़ों में जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा बार होती है उसे ही बहुलक कहा जाता है, उसको जेड से या फिर एम ओ से प्रदर्शित है वो किया जाता है मोड से। आप समझ लें, जैसे मैं कुछ आंकड़े यहां पर लिख रहा हूं अवर्गीकृत आंकड़े, जैसे लिख दिया 2, 3, कोई भी आप सवाल बना लीजिए, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 5, ये कोई आंकड़े दिए हुए हैं और आपसे पूछ लिया जाए भी इनका बहुलक बताइए। आपको अब क्योंकि परीक्षा में सवाल आ गया तो आपको इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो इनको बढ़ते क्रम में लिख लो, जो जितनी बार है उसको उतनी बार ही लिख लो। तो सबसे छोटी संख्या 1 है, ये रही, उसके बाद 2 है वो कितनी बार है, 2 बार, तो आप लिख लें 2 बार 2। उसके बाद 3 है वो भी यहां 2 बार है तो 2 बार लिख लें। उसके बाद 4 है वो 2 बार है तो यहां भी 4 2 बार लिख दिया। फिर 5 देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 5 है वो आप 4 बार लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में तो फिर स्टेप यूज करने होते हैं। तो यहां आप क्या लिखोगे, दिए गए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखने पर, तो ये हमने बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लिया। फिर आप निचली लाइन में ये लिखेंगे, दिए गए आंकड़ों में 5 की पुनरावृत्ति सबसे बार है, 5 अधिक बार आया है, कितनी बार आया है, 4 बार आया है इन दिए गए आंकड़ों में, तो इसलिए इस श्रेणी का बहुलक है वो कितना होगा, 5 होगा। तो अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालने का तो बिल्कुल ही आसान सा तरीका है, जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें जो सबसे ज्यादा बार लिखा हुआ है वही उसका उत्तर होगा। तो यह था स्पीयरमैन की कोटि सहसंबंध और बहुलक ज्ञात करने का। हमेशा ध्यान रखिएगा बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर जब 3 नंबर का इस प्रकार का न्यूमेरिकल कोई भी आता है, विशेषकर माध्यिका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से पूछ लिया जाता है, माध्यिका के वर्गीकृत आंकड़ों से पूछ लिया जाता है या फिर स्पीयरमैन कोटि के सहसंबंध को पूछ लिया जाता है, ज्यादातर इन्हीं 4-5 टॉपिकों में से प्रश्न आता है 3 नंबर का, उसमें 1 नंबर तो फॉर्मूले का रहता है और उस फॉर्मूले में ये जो हम मान निकालते हैं उसका रहता है, बाकी 2 नंबर की पूरी कैलकुलेशन है वो रहती है। तो इसलिए आपको स्टेप वाइज, जैसे हम छोटी क्लास में गणित के सवाल है वो स्टेप वाइज हल करते थे, उसी तरीके से आपको करना होता है। तो आज की इस क्लास में हमने स्पीयरमैन कोटि सहसंबंध और अवर्गीकृत आंकड़ों से बहुलक कैसे निकालते हैं उसको हमने अच्छे से जान लिया है। वर्गीकृत आंकड़ों से बहुलक निकालना हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम उसके ऊपर कोई यहां बात है वो नहीं करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं भी प्रैक्टिकल की जो तैयारी है वो भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी, कि इस वीडियो में जो प्रश्न आपको हल करने के लिए दिया था स्पीयरमैन कोटि का, अब जल्दी से उसको हल करके उत्तर कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेशन को लेकर, तब तक जय हिंद जय भारत।